नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक्स जंक्शन पर आपका स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और एक बात, यहाँ रिटर्न ज़रूर मिलेगा और वो भी स्मार्ट रिटर्न। बस रिटर्न की एक शर्त यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है। हम बात कर रहे हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की, एक बेहतरीन मिड कैप कंपनी का। मार्केट कैप है 33,190 करोड़ और स्टॉक का पीई 175.17 है, जो कि ज़्यादा है, मतलब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है। और प्राइस ज़्यादा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसकी फ्यूचर ग्रोथ। ज़्यादातर ट्रेडर इसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंफर्म है और वे ज़्यादा प्राइस पर भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, इसलिए इसका पीई ज़्यादा है। स्टॉक का फेस वैल्यू 2 है। प्रॉफिट में रहने पर भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अच्छा डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि अभी ये कंपनी ग्रोइंग फेज में है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। दोस्तों, MRF भी आज इसी वजह से इतने हाई प्राइस पर ट्रेड कर रही है। अगर वो भी टाइम टू टाइम स्प्लिट और बोनस देती तो शायद आज उसका प्राइस कम होता। उसने भी प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को सन 1993 में श्री सुनील वच्छानी जी ने स्थापित किया था। इंडिया का सबसे पहला कलर टेलीविज़न सुनील वच्छानी जी के पिताजी ने वेस्टर्न कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर किया था। और डिक्सॉन पहले 14 इंचेस के कलर टेलीविज़न बनाया करती थी। फिर उसने LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए AC और माइक्रोवेव भी बनाए। आज डिक्सॉन नामी ग्रामी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस बनाता है। LED टेलीविज़न उनमें से एक है। अभी जल्दी में डिक्सॉन ने SR कंपनी के साथ लैपटॉप बनाने का भी करार किया है। दोस्तों, डिक्सॉन एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये कुछ बड़ी कंपनीज जैसे सैमसंग, LG, पैनासोनिक, फिलिप्स के ऑर्डर पर प्रोडक्ट्स बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि डिक्सॉन का बिजनेस कैसा है। अभी मार्च 2021 में डिक्सॉन ने स्प्लिट दिया था, तब शेयर का प्राइस लगभग 21,500 के लगभग था। अगर डिक्सॉन स्प्लिट नहीं देता तो आज ये लगभग 30,000 या इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होता। अगर डिक्सॉन स्प्लिट या बोनस देना बंद कर दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये भविष्य में MRF बनने का दम रखता है। दोस्तों, बहुत पोटेंशियल है इस शेयर में। फ्रेंड्स, मैं तो पर्सनली डिक्सॉन के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हूँ। आप भी एक बार देखिए और कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा रिटर्न मिलना पक्का है। देखिए, मेरे कहने पर नहीं, अगर आपको समझ में आता है तब आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड